वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दिग्विजय सिंह की पदयात्रा पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा मांगे जा रहे वोटरों से पैसे पर भी बोले राकेश सिंह। कांग्रेस में बनी है भगदड़ की स्थिति, राकेश सिंह ने कहा। कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार का इतिहास है। हम चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह की पदयात्रा तीव्र गति से होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। जो नहीं आ पा रहे हैं वो किसी न किसी रूप में मन महसूस कर रह रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, पूरे देश में मोदीमय माहौल बना हुआ है। जनता मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहती है। पूरी दुनिया माननीय मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मानती है और भारत माता ऐसे अपने पुत्र को प्रधानमंत्री के रूप में पाकर गौरवान्वित हैं जिन्होंने भारत माँ का सम्मान बढ़ाया है। और इसीलिए आज किसी भी दल के लोग क्यों ना हो, लेकिन उनके मन के भीतर कहीं ना कहीं एक बात है कि माननीय मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए ऐसे वो कोई लोग भी जो किसी भी दल में हैं लेकिन जिनके भीतर शुचिता है, जो शुचिता की राजनीति करना चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पैसे लेने का पाखंड कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास पैसे की कमी है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार का इतिहास है और ऐसे तमाम वो लोग प्रत्याशी इस समय पर बनाए गए हैं जो अपनी ताकत और क्षमता से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस और पाखंड एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये 10 रुपये और 5 रुपये लेकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो निरीह हैं और जनता जानती है कि सच्चाई क्या है और उसके हिसाब से जनता फैसला करने वाली है। हम चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी की पदयात्रा तीव्र गति से होना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में वो घूमें। उनकी पदयात्रा जहाँ जहाँ होगी, वो कहते हैं ना, जहाँ जहाँ कदम पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा धार, तो दिग्विजय सिंह जी जहाँ जहाँ भी जाएंगे और अगर राम मंदिर पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो एक तरह से प्रभु राम की सत्ता को वो चुनौती दे रहे हैं और इतिहास गवाह है कि प्रभु राम पर सवाल खड़े करने वालों को इस देश ने कभी माफ़ नहीं किया।